राधे राधे, जय माता दी। सुप्रभात। मॉर्निंग का टाइम है और आज सबसे पहले मैं अपने लिए बनाऊंगी चिया सीड्स का वाटर, और ये वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैंने एक दिन पहले ये मंगाया हुआ था और अब मैं इसको आज यूज़ कर रही हूँ। तो ये ना मॉर्निंग में खाली पेट ही लेना होता है। अगर आप इसको सुबह से शाम तक तीन बार अगर यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है हमारे वैली फैट को कम करने के लिए। तो मेरा तो काफ़ी दिनों से मन हो रहा था। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है इंडियन ब्लॉगर स्मिता इन जर्मनी, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया हुआ था कि आप ये यूज़ कीजिए, और उन्होंने भी अपनी फैमिली में इसको यूज़ किया है सभी लोगों को वेट लॉस करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं भी यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी दिनों से मंगाने का मैंने इनसे कह रखा था, लेकिन वो टलते ही चला जा रहा था। फाइनली यहाँ पर आकर मैंने चिया सीड्स मंगवा लिया और आज मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, और अच्छा लगा। मतलब जैसे मैं सोच रही थी कि पता नहीं पी पाऊँ कि ना पी पाऊँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है, कोई भी टेस्ट नहीं होता है इसमें, ना ही कोई महक होती है। आराम से आप इसे ले सकते हैं और ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको मैंने गुनगुने पानी में एक चम्मच इसको भिगो के रख दिया है, और करीब 10 मिनट के लिए इसको मैं भिगो के रखूँगी। ये आराम से भीग जाएगा, उसके बाद इसमें नींबू ऐड करूँगी। तो इसको ना नॉर्मल पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दीजिए, और आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो जल्दी हो तो फिर आप इसको थोड़े से गर्म पानी में भिगो दीजिए। बहुत जल्दी 2-3 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। और आप चाहे तो इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेमन एंड हनी दोनों भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ लेमन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ का फ्लेवर देखना चाहती हूँ, लेमन का भी हनी का भी इसमें। और जैसा कि मैंने सुना था कि इसमें इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल टेस्टलेस होता है ये, तो बिल्कुल टेस्टलेस ही है। मुझे बहुत ही पसंद आया, मैंने इसको बहुत अच्छे से पी लिया था। ड्राई ड्राई सी स्किन हो रही है। क्या वही पूछ रहा था कि पूरी सब्जी खाओगे, मंगवाई है हमने, कहा बन रही है घर में सब। जैसे तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मॉर्निंग से ही मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की हुई थी, तो यहाँ पर मम्मी रामायण पढ़ रही हैं, मम्मी की पूजा हो चुकी है, बस रामायण पढ़ के और छोटा सा हवन डेली करती हैं, वही करना बाकी रह गया था। तो मैं सामने बैठ के अपना चिया सीड का ड्रिंक ले रही थी, तो मैंने सोचा लो मम्मी का भी थोड़ा सा कैप्चर कर। आई उसे देखकर बांधा हो जाए तो काल उसके सामने चल गए थे। पहले काल के बाद में होकर सब वो अंतरवाचम कही दम जन को जैसे बांधनी दम कही ऐसा करो फिर लौट। राधे राधे ना करियो का। राधे राधे। मम्मी एक लड़का उधर बैठा था। हाँ क्या कह रहे? कोई नहीं आ रहा भैया। राधे राधे। सुबह सुबह इतना सारा नाश्ता आ गया, दही जलेबी समोसे कचौड़ी, भोग लगाना है आकर से। नानी बुला रही है, हू कर रहा है भाई। हाँ। तुम भी करो जाके ढिशुम। हाँ चलो, इतना डरती हो, चलो जल्दी ढिशुम करो, जल्दी करो, आओ आओ आओ, चलो जल्दी ढिशुम करो, आके भाई को आओ ढिशुम करो, जल्दी जल्दी ढिशुम करो, जल्दी ढिशुम करो, देखो देखो देखो, मार मार ढिशुम करके आ, डर क्यों रही हो, जाओ भूखा है। हाँ। रुको, अरे हाथ में चने दिया, ये चिप्स अपना निकालो निकालो ना।
अरे निकालो, मेरे हाथ में सामान है। लगा रहे आपको भी, समोसे खाओगी, दही जलेबी खाओगी, एक समोसा। तो देखिए इन दोनों बच्चों की कैसे लड़ाई हो रही है। ऐसे ही होता है जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ सारे तो नहीं है, अभी यही दोनों हैं और छोटा बेबी तो बहुत ही छोटा है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और जो मेरे घर में जो खाना बनाती है ना वो आ गई थी। तो कल मेरे भाई ने कहा था कि दीदी मैदे वाली और सूजी वाली पूड़ी बनवा लेना और आलू की मसाले वाली सब्जी, मतलब सिंपल सी अच्छी लगती है, तो बस वही तैयार करा रही। तो श्वेता आ गई थी तो श्वेता को फिर मैंने कह दिया था कि मैदा और सूजी छान लो और क्वांटिटी मैंने बता दी थी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा सोडा, नमक, अजवाइन थोड़ी सी और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। और उसके बाद में इसका बढ़िया सा जैसे रोटियों के लिए सॉफ्ट डो लगाते हैं ना, उसी तरह का बिल्कुल डो लगाना है और थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है, क्योंकि जब सूजी फूलेगी ना तो फिर वो हार्ड हो जाएगा, जो हमारा डो है ना बहुत अच्छे से हार्ड हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही इसको सॉफ्ट रखना है और गुनगुने पानी से इसका डो लगाना है। तो श्वेता यहाँ पर सारे काम कर रही हूँ, मैं बताती जा रही हूँ सामान डालने का जैसा जो भी है, और बाकी का सारा श्वेता ही कर रही हैं। उसके बाद में भाई ने यहाँ पर नाश्ता मंगवाया हुआ था, तो देखिए पूरी, कचौड़ी, छोले, दही जलेबी, समोसे, सभी कुछ आया हुआ। तो मैं भाई को चाय देने गई थी तो भाई बोला दीदी आओ थोड़ा सा साथ में बैठ के खा लो, तो मैंने कहा मेरा मन नहीं है, पूड़ियाँ तो नीचे बनी रही हैं, बोला थोड़ा सा खा लो। तो मैं भी यहाँ पर एक तो भाई कचौड़ी के पहले जब आए थे एक बार और उसके बाद में आ गई थी नीचे, मतलब किचन में आ गई थी। तो श्वेता को मैं ये वाली सब्जी बनाना बता रही थी, क्योंकि मैं तो आज हूँ तो बना भी देती, लेकिन फिर मम्मी लोगों का जब भी खाने का मन करेगा तो फिर श्वेता को मैं कानपुर से तो बताने आऊँगी नहीं, तो मैंने कहा तुम बनाओ, मैं बताती जा रही हूँ कि कैसी सब्ज़ी बनानी है, इन लोगों को किस तरह की पसंद है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हींग और जीरा थोड़ा ज़्यादा सा, उसके बाद हरी मिर्च ऐड करा दी थी, सरसों के तेल में ही ये वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड कर दिया था, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ऐड करना है। बाकी यहाँ पर अब ऐड कर देना है आलू, और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेना, एकदम बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। और इसमें मसाले बहुत हल्के हल्के पड़ेंगे, हल्दी भी बिल्कुल थोड़ी सी डाली हुई थी, गरम मसाला, काली मिर्च और धनिया पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा पड़ेगा, हाँ खटाई पाउडर इसमें पड़ेगा। और आप चाहें तो इसको और चपटा बनाने के लिए नींबू भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च इसमें ज़्यादा ऐड की जाती है, क्योंकि हरी मिर्च बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ये वाली सब्ज़ी में। थोड़ा सा लाल मिर्च, मतलब हल्के हल्के मसाले जाने हैं इस सब्ज़ी में, और नमक ऐड कर दिया। इसको बहुत अच्छे से चलाते रहना है जब तक कि ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये जो डो लगाया हुआ था ना, इसको रख दिया था 15 मिनट के लिए रेस्ट होने को। और उसके बाद मैंने श्वेता से कहा कि इसको एक बार चेक कर लो और अच्छे से इसको मसल के और फिर से रख दो। और मैं सब्ज़ी भी चलाती जा रही हूँ क्योंकि श्वेता जो है वो डो देख रही हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से सब्ज़ी फ्राई हो गई है, मतलब आलू फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है अभी थोड़ा सा खटाई पाउडर, सबसे लास्ट में ऐड करना है। और देखिए आलू एकदम बढ़िया बढ़िया गोल्डन ब्राउन जैसे हो गए ना, यहाँ पर ऐड कर देंगे पानी। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये वाली सब्ज़ी है ना गाढ़ी गाढ़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी सी रसेदार ही अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। भाई दो दिन से कह रहा था तो मम्मी ने कहा चलो कल सुबह खाना नहीं बनवाते हैं, यही बनवा लेते हैं, यही नाश्ता भी हो जाएगा और यही खाना भी हो जाएगा। इसमें ऐड कर दिया है ढेर सारा हरा धनिया। और सब्ज़ी देखिए आप बिना टमाटर के बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी हुई थी, और ये लोग ना इसको बड़े मज़े से खाते हैं यहाँ पर, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। पूरी छोड़ो 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 छोड़ो, कर रहा है, स्माइल कर रहा है, हटो नीचे उतर जाए, स्माइल कर रहा है। यहाँ पर देखिए मेरे चुक्कू क्या कर रहे हो, बातें करनी है, बातें करनी है,
इनके हन्नू का टाइम हो गया है और इनको जा रही हूँ हन्नू कराने। देखिए कैसी हालत हो रखी है, आज ना तबीयत भी नहीं ठीक है मेरी, आज पीठ में इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मम्मी पैसे दे के गई हैं, जूस मंगवाना है और सब्जी मंगवाना है, और ये देखो कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं बुआ के फोन को, देखो जैसे ये आके हेलो एवरीवन करेंगे। जा रही हूँ इसको नहलाने के लिए, चलो चले, पानी गरम हो गया इसका, वो एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, उसमें जल्दी होता है ना। आज पूरी रात नहीं सोए तो देखिए कैसे आंसू आ रहे, उठाओ उठाओ उठाओ, मैं चली अपने दुखों को हन्नू कराने, आंसू आ रहे बब्बी, चलो भाई चलो। दीक्षा अभी बेबी को नहला नहीं पाती है, बच्चा बहुत छोटा है ना, तो दीक्षा को डर लगता है उसको नहलाने में अभी, तो वैसे तो जो बुआ आती ना मालिश करने के लिए तो वो नहला देती थी, पर क्या होता था ना कि पहले बेबी की मालिश होती थी और उसके बाद इसको थोड़ी देर बाद नहला दिया जाता था, जिस वजह से ना तेल अच्छे से बॉडी सोख नहीं पाती थी। तो मैंने कहा जब तक मैं हूँ तब तक मैं इसको नहला दूँगी, बस तुम मालिश खाली करवा लिया करो। तो इसीलिए मैं बेटे को नहलाने गई भी थी, उसके बाद आ गई थी किचन में, श्वेता मम्मी वगैरह के लिए सबके लिए पूड़ी बना के चली गई थी, सभी लोगों ने खा लिया था। मैंने कहा तुम मेरी मत बनाना, जब मुझे खाना होगा तो मैं गर्मा गर्म बना लूँगी, क्योंकि ये वाली पूड़ियाँ ना थोड़ी क्रंची और गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए पूड़ियाँ बना ले रही हूँ, अपने लिए आकर्षित के लिए, अति भी खाएगी साथ में, और दो तीन पूड़ियाँ थोड़ी एक्स्ट्रा भी सेक कर रख दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं, पूड़ी अच्छी लग जाएगी तो एक दो घंटे बाद फिर मांग लेते हैं, और वैसे भी नमकीन पूड़ी है तो उन लोग को अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ बना ली हैं, बाकी का सारा डो मैंने फिर से वापस से लगा कर रख दिया है, और जब भाई आएगा ना तो भाई को गर्मा गर्म सेक के खिलाऊँगी। तो बस अपने लिए और आकर्षित के लिए पूड़ियाँ यहाँ पर तल लूँगी, और बड़ी अच्छी लगती हैं ये वाली पूड़ियाँ, भटूरे जैसी बिल्कुल फूली फूली बनती हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम बढ़िया, बिल्कुल भटूरे जैसी ही बन रही हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। तो ऐसे ही रहता है मैके में, जब आ जाती हूँ ना तो मुझे यही समझ में नहीं आता है कि ब्लॉगिंग क्या करूँ क्या ना करूँ, तो बस मैं फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, और वीडियो तो अपलोड करना है तो मैं अपना कैमरा ऑन कर देती हूँ जहाँ से भी मेरा मन करता है, तो ब्लॉग बस किसी भी तरह से सूट हो जाता है। तो आज ये रेसिपी ही मैंने सूट की हुई थी, और ये सूजी और मैदे की पूड़ी है ना ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, और ये आलू वाली सब्जी रसे की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली क्रंची क्रंची पूड़ियाँ बन रही हैं ना यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और अभी थोड़ा सा मुझे जाना भी है मम्मी के साथ में मार्केट, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ में यहाँ मार्केट का भी वीडियो शेयर करूँगी अगर बना पाई तो। पहली बात मैं घर से ही नहीं निकल पा रही हूँ, मम्मी रोज़ कहती हैं पर मैं इतना आलस कर जाती हूँ कि निकल ही नहीं पा रही हूँ, जब मैं मार्केट पहुँच जाऊँ तब देखा जाएगा। तो ये रही देखिए हमारी आज की बढ़िया लाजवाब सब्जी और सूजी और मैदे की पूड़ी। ये वाली रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो ना तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोगों को ब्लॉग्स पसंद आया हो तो फिर आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा। तो बस यहीं तक का था आज का हमारा ये मायके का ब्लॉग, तो ये रही मेरी थाली, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।